लड़की को लेके आया करेगा और इसको लेके जाया करेगा, क्योंकि इनके घर में तो मर्द ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये भी मेरे बेटे भी सारा बोझ पड़ेगा। और दूसरी बात ये थी कि कल को अगर बच्चे होते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अंदर मेरे ना वो लावा पक्का हुआ है, गुस्से से लावा पक्का हुआ है, ऐसे ही देखो ऐसे लावा पक्का हुआ है। लेकिन मैं बाहर से अच्छे खासे हैं, अंदर से हम टूट चुके हैं, बाहर से अच्छे खासे मम्मा ये हैं। कैमरा ऑन है। अच्छा चल, अंदर से हम टूट चुके हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं, तो आप मुझे आज मम्मा टूट चुकी हैं, मम्मा टूट हाँ चुकी हैं अंदर से, टूट के साथ फूट भी चुकी टूट फूट है चुकी। टूटी तो टूटी भी, मुझे लगता है मैं फूट भी पड़ूंगी। तो अच्छा लेकिन बात, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो मेरी प्यारी बेटी फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, हमें अपने बच्चों पे सलामती दे, हमें उनकी खुशियां देखी नसीब करे, और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन जी हर फन मौला। तो अंदर से हम टूट चुके हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं। तो मैं जैसे मैं हर वीडियो में आपको हंसाती भी हूँ, आपके साथ हर बात पे शेयर करती हूँ, हर एक चीज, खाना पीना, बाहर आउटिंग, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो मेरे दिल के अंदर है, तो लेकिन मैं उसका इजहार करना चाहती हूँ, तो मैं आज इजहार करूंगी। यकीन करें कि किस किस रंग की दुनिया तो है। आज आज मैं आपके साथ जो ये मैं अपनी आबीती शेयर करने लगी हूँ, आपने मेरे साथ ही रहना और एंड तक इस बात को सुनना है और देखना है, तो फिर ही आपको पता, फिर आपने ही बताना है, और अच्छे बुरे के बारे में कि कैसी कैसी रंग रंग की दुनिया। आपके साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ आपने एंड तक उसको देखना है, और देखें कि आपने मेरे साथ ही जुड़े रहना, और ये मेरे दिल की बात है। ये बात जो है ये रिश्ते के सिलसिले में है, यानी कि हर घर में बेटियां होती हैं, वहां आते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, रिश्ते देखने के लिए आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि एक एक बात ऐसी है जो अभी तक मेरे दिल के अंदर है, और मुझे उस चीज का इतना दुख है, और ये बात कुछ अरसा पहले की है, ये अभी अभी नहीं, कुछ अरसा पहले की है, कि यानी कि बेटियों वाले घरों में माएँ तो हर एक को बताती कह देती है ना कि रिश्ते के सिलसिले में, तो मैंने भी कहा हुआ था। तो एक रिश्ते वाली मेरे घर आई, रिश्ता लेके आई, वो यानी कि माँ और बाप आए दोनों लड़के के, तो वो उम्रा करने गए हुए थे पहले, उन्होंने कहा हम उम्रा करके आएंगे, अब इनके घर जाएंगे। खैर उम्रा करके वो आए तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हज की उम्रे की कर, उसके बाद जो हमारे से हो सका हमने उनकी खातर तो अदा की, जो भी वो चले गए। उसके बाद फिर खामोशी हो गई, हमने कहा कि चले गए, तो उन्होंने रिश्ते वाली को ये बताया कि अभी बात असल में, उसने रिश्ते वाली ने पूछा भी अब आपका क्या आ गया, अपने उनको बुलाना है क्या करना है। उन्होंने कहा, उसके बाप ने कहा कि जी बात ये है दरअसल में कि इस लड़की का ना तो भाई है ना बाप है, तो मेरा एक ही एक बेटा है, तो क्या ये जब शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा ही इस लड़की को लेके आया करेगा और इसको लेके जाया करेगा, क्योंकि इनके घर में तो मर्द ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये भी मेरे बेटे भी सारा बोझ पड़ेगा। और दूसरी बात ये थी कि कल को अगर बच्चे होते हैं तो फिर मेरे बेटे के जो बच्चे होंगे वो मामू किसको कहेंगे, यानी कि अजीब सी बात, जब उसने पहले तो वो बता नहीं रही थी कि नहीं छोड़े आपका दिल बुरा होगा, आपका दिल बुरा, मैंने कहा नहीं जाहिर है कि आप बताओगे तो इस बात को स्टार्ट करें, शुरू करेंगे या खत्म करेंगे। फिर जब उसने ये बात बताई तो बहुत दिल को मेरे को तकलीफ हुई कि जिनके बेटे नहीं होते, जिनके खावन नहीं होते, तो क्या उनकी बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, तो ये सोच देखिए उनकी, हालांकि वो अल्लाह के घर से होके आए थे, तो खुदा का खौफ भी उनके दिल में आया, ये बातें
करने वाली थी। किसी को अल्लाह ताला बेटों से नवाजता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता। तो ये बात उनके कहने वाली तो नहीं थी। बहुत दिल दुखा, बहुत दिल बुरा हुआ मेरा। तो उस दिन मैं बहुत, मैं डिसहार्ट हुई, बहुत मैं परेशान हुई। तो मैंने कहा चलो ये भी एक वाक्य बात है, मेरे दिल की बात है, मेरी आप भी, चलो मैं तो ये इन सब बातों के बाद जो मेरा दिल टूटा, क्योंकि इसके अब्बू की डेथ के बाद जाहिर है कि मैंने जो इतनी परेशानियां देखी हैं, इतना कुछ मैंने इस हालात का मुकाबला मैंने किया है और मैंने डट कर किया है। मैंने कहा अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। और अल्लाह ताला ने हर किस्म का मुझे, यानी कि मेरे, मुझे अल्लाह मियाँ हर आगे मेरे रास्ते जो है वो आसान किए हैं। लेकिन किसी जगह पे ऐसी बातें भी आई हैं जो दिल बर्दाश्ता थी, मैंने उसको बर्दाश्त किया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या ऐसे लोगों के घरों में रिश्ता करना चाहिए जो कि इस तरह के, जिनके दिलों में खुदा का खौफ ना हो? तो अपनी जिंदगी के हालात जो बताती हूँ हर एक आपके साथ शेयर, और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपने तो मेरी प्यारी वाइफ की फैमिली देखे, इंसान अगर खामन ना सर पे हो तो किस किस किस्म की बातें सुननी भी पड़ती हैं और किन हालात का मुकाबला भी करना पड़ता है। यानी कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने शादियां की हैं, लेकिन इस तरह के कोई कोई होता है जो इस तरह की बात कर देता। तो एक मिले आए जो, जिन्होंने ऐसी बात कर दी और दिल बहुत दुखा। तो बहरहाल इंसान कुछ नहीं कर सकता, जहाँ नसीब होते हैं वहीं होके रहता है। तो बेटियां जो होती हैं अल्लाह ताला ने उसके नसीब लिखे होते हैं, लेकिन ये मैं शुक्र करती हूँ कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला आज एक को बचाए जो बाद में कोई किसी किस्म के मसले खड़े करे। चले इनके मुंह से पहले जो बातें निकल आए तो वो लड़की के लिए, लड़की के घर वालों के लिए बेहतर हो जाता है। तो ये चीजें तो ऐसे लोगों से के वास्ता ना डाले जो इस किस्म के लोग हों। तो बस अल्लाह पाक मेरी भी परेशानियों को दूर करे, मेरी, मुझे इस घर में भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। तो जो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन आप सबसे पहले ये देखे कि जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए आपकी बेटी, तो वो किस किस्म के हैं उनकी बातों से पता चल जाता है। तो इसलिए मुझे तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ये बात कह दी, तो मैंने कहा चले जाएं, आप तो अपने घर में बैठे, हमारा अल्लाह मालिक है। तो दुख वाली बात थी और आप मुझे कमेंट्स में परेशान थोड़ी सी अंदर से हो गई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा मित्र, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।